या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम चौकी शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है। प्यारे बच्चों नाज़रीन प्रोग्राम है बच्चों की शाम जी लेकर हाजिर हो चुके हैं प्रोग्राम बच्चों की शाम जी प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं और दूध पाक की फजीलत हमने सुन ली। अब बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब क्योंकि हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स हुआ करते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। माशाल्लाह हमारे साथ मुहिब भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुहिब भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी मुहिब भाई कौन सी सूरत की तिलावत सुनेंगे आज? मैं सूरत तकवीर की तिलावत जी सुनाइए। प्यारे बच्चों और गुणवंती शेख नाज़रीन तिलावत कुरान पाक को सुनने के कुछ आदाब हैं, पढ़ने के कुछ आदाब हैं। सुनने के आदाब में से ये है कि जहाँ पर तिलावत कुरान पाक हो उसे तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। तवज्जो के लिए एक बेहतरीन हल ये है कि हम सब अपने हाथों को बांध लें, सरों को झुकाएँ और आँखों को बंद कर लें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इससे तवज्जो हमारी कार सब की तरफ रहेगी जो कि हमें तिलावत सुनाएंगे। जी मुहिब भाई शुरू फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت أمرت بالله صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله محب بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار اٹھا مدینہ دکھائے اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے بچے اور گرد کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال بچوں کی شام جی سیگمنٹ ہے آج کا سوال آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے دو رکعت نماز اگر پڑھی جائے تو عطیات میں کتنی بار بیٹھیں گے دو رکعت نماز اگر پڑھی جائے جیسے ہم دو رکعت نماز سنتیں ہوتی ہیں فجر کی نماز میں دو رکعتیں ہوتی ہیں فرض بھی دو رکعتوں کے ہوتے ہیں تو ہم سب اگر یہ نماز پڑھیں دو رکعت نماز پڑھی جائے تو اس میں کتنی بار عطیات کے لیے بیٹھیں گے پیارے بچے اور گٹھمتیشے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیں یہ آپ کا نام ہے محمد حسن صدیق ماشاء اللہ حسن بھائی ہیں اور آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے آنکھوں کا تارا نام محمد سبحان اللہ جی سنائیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا جو چاہو دونوں جہاں کی
रंग दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद अपने रजा सुभान अल्लाह माशा अल्लाह भाई आपने कलाम बड़ा अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और कृष्णमती शेख नाज़रीन हमने शामिल किया सेगमेंट नात। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जिस सेगमेंट का नाम गए इम्तिहान बच्चों की शान। सेगमेंट है इम्तिहान उसके रेडी हैं आप लोग? सवाल पूछूंगा मैं आपसे जी। पहला सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मजार शरीफ किस मस्जिद में मौजूद है? जी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मजार शरीफ किस मस्जिद में मौजूद है? जी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी शरीफ। ये तीनों कह रहे हैं मस्जिद नबवी और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी अगला सवाल सूरह फातिहा में कितनी आयत है? सूरह फातिहा कुरान पाक की अगर देखा जाए तो पहली सूरत है और इसमें बताइए कितनी आयत है? जल्दी से गिन लें। जी चलें जवाब देना चाह रहे हैं। सात। आपका नाम क्या है? सुमेर। सुमेर भाई कह रहे हैं सात। जी आप क्या कहते हैं? छः। छः। अब इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफ हो चुका है, एक कह रहा है सात और एक कह रहा है छः। जी बताइए। सात। ये कह रहा है सात भाई। छः। छः। सात। जी जिन्होंने जवाब दिया सात उनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। जी माशा अल्लाह। सूरह फातिहा में सात आयत है, कितनी आयत है? सात। जी हो सकता है आपने एक कम ही दी मगर सात आयत हैं और जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। अब क्या रहा सवाल है वो कौन से नबी अली सलाम है जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है? इमामुल अंबिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी ये कह रहे हैं इमामुल अंबिया यानी नबियों के इमाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी कुरान पाक से मुताल्लिक एक और सवाल। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सबसे छोटी सूरत का नाम। जी चलें मैं आता हूं। लुहल्लावाद। लुहल्लाहु अहद। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। सुमेर भाई कह रहे हैं सूरतुल कौसर। आप का नाम? अनस। अनस भाई कह रहे हैं सूरह इखलास। जी बताइए आप क्या कहते हैं? सूरह कौसर।
ये कह रहे हैं सूरह कौसर जी, बताइए। सूरह इखलास। सूरह इखलास जी। सूरह कौसर। जिन्होंने जवाब दिया सूरह कौसर, उनका जवाब दुरुस्त है। आन अल्लाह। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर जी, जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल और आखिरी सवाल, नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है? यानी इन्होंने एक जवाब भी नहीं दिया, अब इनसे पूछते हैं। अशाला बाकी तो सबने ही जवाब दिए जी। खाने काबा। ये कह रहे हैं खाने काबा जी, बताइए जी। जवाब दुरुस्त है। कौन कौन इनकी बात से इत्तेफाक करता है कि यही जवाब है? सब कह रहे हैं जवाब, मैं भी यही कह रहा हूँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। प्यारे बच्चे और कुछ शेख नाज़रीन, ये था सेगमेंट इम्तिहान आपकी अकल का, इसमें वो सवाल और आपने दिए उसके जवाब जी। आइए मिलकर पहले नारे लगाएंगे फिर कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना कलाडिला सबसे आखिरी नबी, शाहगर दोसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चे और बंदिशे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। मेरा नाम क्या जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे रमजान भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब देते दो रकात नमाज में एक दफा अत्तहियात पढ़ी जाती है। हम सबको एक प्यारा चैनल के मदनी चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में दोनों जवाब दूंगा जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मक्की अत्तारी है, आज मैं आपको ये कलाम सुनाऊंगा। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मक्की भाई ने मैंने आप सुनाई, अल्लाह पाक इनकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और गुजवंदी से के नाज़रीन, सवाल ये है कि दो रकात नमाज अगर पढ़ी जाए तो अत्तहियात कितनी बार बैठेंगे, अत्तहियात में कितनी बार बैठेंगे, ये सवाल है। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। इस सेगमेंट का नाम है आए वाकया सुने बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल जी। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं सफ़र पर था, एक जगह नमाज का वक्त हो गया, वहाँ कुआं तो था मगर इससे पानी निकालने के लिए कोई बर्तन और रस्सी नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि एक मकान के ऊपर से एक बच्ची ने झांका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी रस्सी और डोल। उस बच्ची ने पूछा, आपका नाम क्या है? फरमाया, मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बच्ची ने हैरत से कहा, अच्छा आप ही हैं जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन आप तो कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। ये कहकर उसने कुएं में थूक दिया और कमाल हो गया, पानी फौरन ऊपर कुएं के किनारे तक आ गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वजू किया करने के बाद उस बच्ची से पूछा, बेटी सच बताओ तुमने ये कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इसकी बरकत से ये करम हुआ है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उस बच्ची से इम्प्रेस्ड होकर मैंने वहीं इरादा किया कि मैं दुरूद शरीफ के मुतालिक किताब लिखूँगा। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुरूद शरीफ के बारे में किताब लिखी जो बेहद मकबूल हुई और उस किताब का नाम दलाइलुल खैरात है। सल्लू अलैल हबीब दुरूद पाक को पढ़ते जाएं और सवाब हासिल करते जाएं, कमाते जाएं माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ही अच्छा वाक्य सुनाया।
अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बतला की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने, मगर उससे पहले लगाते हैं कुछ नारे। हर सगा भी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सगा भी यात भी जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों और गुजबंदी शेख नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम गए तस्किरा गए कुरान में। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला कुल हाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला कुल हाल। जी सुनाइए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तमाम चीज़ें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, इसी ने हम सबको पैदा फरमाया है और हमारे लिए इस दुनिया में तरह तरह की नेमतें भी तैयार की हैं, जैसे बड़े बड़े समंदर, ये आसमान, ज़मीन, दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के खाने और फल, ये सब भी हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने ही पैदा फरमाए हैं। आज इस सेगमेंट में हम जिस नेमत का जिक्र सुनेंगे वो है पहाड़। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पहाड़ भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर पहाड़ों का जिक्र मिलता है। चले आए, मैं आपको इस हवाले से एक आयत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक पारा 13 सूरतुर रहद आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फीहा रवासिय व अनहारा। तर्जुमा है कंजुल इरफान, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हिलने लगी। अल्लाह पाक ने इन पहाड़ों को ज़मीन में पैदा फरमा कर इनको रोक दिया और हमारे लिए ज़मीन में चलना और फिरना आसान हो गया। तो ये सब पहाड़ भी अल्लाह पाक की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक की इस नेमत का भी शुक्रिया अदा करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की साद नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और गुजरती शेख नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, सेगमेंट का नाम गए जुमले बनाइए। बच्चों की सेगमेंट है जुमले बनाइए। क्या है? बनाइए। जी जुमले बनाने हैं इसमें, और मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा और उसको मिला के आपने एक जुमला बनाना होगा। रेडी हैं आप लोग? जी बिल्कुल। चार हैं। पहले जुमले के लिए वर्ड्स हैं, कपड़े लगते हैं अच्छे साफ सुथरे। कपड़े लगते हैं अच्छे साफ सुथरे। जी पहला जुमला तो मैंने आपको पढ़ दिया। जी साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। जी क्या कह रहे हैं? कपड़े साफ सुथरे अच्छे लगते हैं। कपड़े साफ सुथरे अच्छे लग रहे हैं। जी और कोई? साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हुई हैं, कपड़े साफ सुथरे अच्छे लगते हैं और साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं। जी और कोई यहाँ पे नहीं है भाई? क्या नहीं, आप सोच लें, आप तो कहीं गलती नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे सन, और आप भी नहीं कर रहे। जी अब मैं बताता हूँ कि मेरा मुरादी जुमला क्या था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते हैं, जवाब इनका दोनों का दुरुस्त है। जी अगले जुमले के वर्ड्स हैं, कुरान चाहिए पढ़ना बावजू को। कुरान चाहिए पढ़ना बावजू को। जी कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए, ये कह रहे हैं ये। जी कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए। कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए। जी चलें माइक लेके पहुंचते हैं आपके पास। कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए। कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए।
ये दोनों कह रहे हैं कुरान को बावजू पढ़ना चाहिए, और इन दोनों ने ये जवाब दिया। और इन दोनों समेत हमारे तीनों यहाँ पे कंटेस्टेंट का यानी के हसन भाई का और दोनों पैनलिस्ट का जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। अगले जुमले के लिए वर्ड देने जा रहा हूँ। है मज़ार शरीफ सवाब पर जाना। जी आप लोग सोचे हैं, आपको दिया जा रहा है वक्त, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे कॉल्स की जाने। मेरा नाम साने मिक्कर अजीजवत नाम भाई, कैसे हैं आप? मैं आज नारे लगाऊंगा, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती 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 जन्नती, जज़ाक अल्लाह खैरा, बच्चों की शाम जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल। मैं माशाल्लाह अपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम करने में दुरुस्त जवाब दे रहेंगे। जी यहाँ तक पहुँचे थे, है मज़ार शरीफ सवाब पर जाना। आप और सोचें, बढ़ते हैं कॉल्स की जाने। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कुनूत फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं और मेरा भाई अब्दुल अहद नारे लगाएंगे, हम बड़े मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, चाहे हर दूसरा सबसे आखिरी नबी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। है मज़ार शरीफ सवाब पर जाना। जी मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है, मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है। मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है, नीचे भी आते मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है, मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है। ये पांच कह रहे हैं मज़ार शरीफ पर जाना सवाब है, आप दोनों जवाब देना चाहेंगे? नहीं जाने भाई, इन पांचों का जवाब क्या कहते हैं, दुरुस्त है? यही लग रहा है आपको? देख लें कुछ और ना हो। नहीं यही है, कंफर्म कंफर्म है हसन भाई, कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये पांचों तो कंफर्म है, मगर इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये था सेगमेंट जुमले बनाइए जी, जुमले बनाइए सेगमेंट था, तीन जुमले इन्होंने बनाए और तीनों के जवाब माशाल्लाह दुरुस्त दे दीजिए। जी बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने, जिस सेगमेंट का नाम है अमीर अहले सुन्नत और हसन रज़ा। बच्चों की शाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बाबा से सवाल करूं? माशाल्लाह करो। छिपकली ये जो ये दीवार पे होती है, हाँ इसको मार सकते हैं? चूहे को भी मार सकते हैं? तितली को नहीं मार सकते हैं, तितली तो होती है कितनी प्यारी लगती है। चिड़िया को भी नहीं मार सकते हैं। पापा शेर को मार सकते हैं? शेर को तो कहाँ मार रहे हैं, शेर तो जंगल में होता है, पिंजरे में होता है, तो खा जाएगा मारने की जरूरत। अगर ये कोई आबादी में आ जाए और लोगों को खाना शुरू कर दे, हमले करे, खतरा होता तो फिर मार सकते, अगर हाथ में नहीं आता तो क्या करे? जो नीचे होती है उनको मार सकते?
किसी को? कीड़ियों को। कीड़ियों को नहीं मारना चाहिए, बच्चे कीड़ी को मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। कीड़ी अल्लाह करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, करती है, अपने आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती कि अल्लाह का जिक्र करती है, इसको कीड़े को मारना जायज नहीं। हाँ, जो कीड़ी काटती हो ना उसको मारते, ठीक है, आप भी नहीं मारेंगे कीड़ी को। कोई भी बच्चों कीड़ी को नहीं मारते। मुर्गियां चोंच मारे तो उनको मार सकते हैं? चोंच मारे तो, चोंच मारे तो उसको बेचारी को क्या मारना था, हम मर जाएंगे तो नहीं मारेगी उनको, बाहर रख दी तो बाहर कहाँ रखी, कोई उठा के भाग जाएगा, ऐसी जगह ना रखा जाए कोई लेके भाग जाए, जगह भी ना रखे फिर बिल्ली खा जाए, ये भी तो छोटी मुर्गी को बिल्ली भी खा जाती है, चूजों को। बड़ी चूजा मतलब मुर्गी चूजा को पिंजरे में रख देते तो मुर्गी ना खाए, इसको बिल्ली ना खाए, खुला छोड़ देंगे, हम भी नहीं होंगे तो बिल्ली तो उठा ले सकते, लेके भाग सकती है। मुर्गी के बच्चे निकल गए और मुर्गियां को पिंजरे में डाल दी तो उन्हें बिल्ली नहीं खा सकती। बिल्ली पिंजरे के अंदर होगा तो कैसे खाएगी? बिल्ली को पिंजरे में डालते तो सही नहीं है। बिल्ली को पिंजरे में कैसे डालेंगे, ये तो अजब बोलती है। छोटियां बिल्ली को पिंजरे में डालने की जरूरत नहीं है, अपनी मुर्गी को पिंजरे में रख के हिफाजत करनी चाहिए। चूजा को, चूजे को भी हिफाजत करनी है, मतलब मुर्गी बड़ी मुर्गी को तो बिल्ली कम मत हमला करेगी, चूजे को ले जाने का ज्यादा खतरा है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जानवरों से मुताल्लिक कुछ सवालात हुए, हसन रजा ने सवालात किए और अमीर अली सुन्नत ने जवाबात दिए, माशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग के नाज़रीन, आइए मिलकर नारे लगाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, आगे गर्दो सना सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और गिरजमंदी से नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। बच्चों की शान, इसमें आएंगे दो बच्चे और इंशाल्लाह उनके दरमियान एक जहन मतलब इंटेलिजेंस का मुकाबला होगा कि कौन कितनी पिक्चर्स याद रखता है। जी कौन कौन आना चाहेगा? चले हमें जी, चले आप आ जाए और आप भी आ जाए, दोनों आ जाए, जी जी आ जाए, आ जाए, हसन भाई मुझे माइक दे और आप थोड़ा सा इधर हो जाए। यानी मुझे कृष्ण बंदी से नाजी इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे मगर उससे पहले लेंगे एक कॉल। मैं मोहम्मद सुजान अहमद बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे रमजान भाई कैसे आप? मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाशिर सुनाऊंगा, जिसने अहमद रसूल अल्लाह की अल्लाह बीबी अपना कैफूल अल्लाह की अल्लाह, और आपके स्वर का जवाब है एक बच्चों की शाम माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कॉल की और सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब देंगे और आपने नाद भी सुनाई अल्लाह पाक आपकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुसव्विर अली अत्तारी है, मैं गुलाब भिखारी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है एक बार माशाल्लाह, इन्होंने भी सवाल के जवाब दिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में दोनों जवाब देंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अहमद अत्तारी, मोहम्मद अल्लाह अत्तारी जी नोट शेयर कर रहे हैं। रमजान भाई आज हम ये नारे लगाएंगे, सरकार की आमद मरहबा, दीदार की आमद
मरहबा या मुस्तफा। माशाल्लाह जनाब, आपको फॉर्मेट कुछ समझाते हैं और माशाल्लाह कॉल शामिल की, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जी चल, अब आपको बताते हैं कि आपको दिखाई देंगी 10 पिक्चर्स, आपने उनको जहन में रखना होगा, फिर हम आपसे पूछेंगे आपको कितनी याद रही। अगर आपने ज़्यादा बताई तो आप सेगमेंट के विनर होंगे, और अगर इन्होंने ज़्यादा बताई तो इन्होंने ये सेगमेंट के विनर होंगे। रेडी आप लोग? पहले किससे पूछें? आपसे पूछें? नहीं, इनसे पूछें। चलें दिखाएं। गारे थौर, खान है गिलाफे काबा, जन्नतुल बकी, मस्जिद अक्सा, जाए नमाज, कुरान करीम, रहल जिस पर कुरान पाक रखा जाता है। जी मस्जिद नबी, मेहराब नबी। जी जारी मुबारक, सुनहरी जारियां, तस्बीह। जी चल, खाना काबा। खाना काबा क्या कहेंगे? किला। चल हम कोई और बताएं। जी नमाज, जाए नमाज, जन्नतुल बकी, मस्जिद अक्सा। तीन बताई हैं इन्होंने। जल्दी कर रहे हैं, सेगमेंट का नाम क्या है? वक्त कम है, अगर इनके पास अभी वक्त है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलें भाई, आपको तो आसान सा टारगेट मिल गया है 3, यानी कि आपने 4 की, तो आप सेगमेंट के विनर होंगे। रेडी आप? चलें अब इनको पिक्चर दिखाएं। मजार आला हजरत का गुंबद, जंजीर, मैदान अरफात, इत्र, गुंबद खजरा, हजर अस्वद, हतीम, बाबे काबा, हुजूर, मीनार। जी गुलाबे काबा, जल्दी करें, जल्दी करना है और तेज भी बोलना है। जी खाने काबा भी नहीं था, खाने काबा की पिक्चर तो थी मगर हमने उधर से मुराद कुछ और ली। मैं नाम भी पढ़ रहा था साथ साथ, याद करें मैंने जो नाम पढ़े। सेगमेंट का नाम क्या है? वक्त कम है। जल्दी करें, जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये नस भैया, अरे माशाल्लाह दोनों ने मुकाबला अच्छे किया। आपका नाम ये? अब्दुल रफी भाई आज के सेगमेंट के विनर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों अपनी जगह पे तशरीफ ले आए माशाल्लाह। क्या बच्चों, किड्स बंदी शेख नाज़रीन, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ अनस भाई और अब्दुल रफी भाई के दरमियान। हर सगा भी है नबी, जन्नती जन्नती, चार यारान है नबी, जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान वनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेगमेंट भी हुआ, नारे भी हुए। अब गुजारिश करूंगा हसन भाई से कि वो हमें एक कलाम सुनाए। माशाल्लाह तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा।
माशाअल्लाह, तभी तो हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडिला सबसे आखिरी नबी, आगे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया तार का सबसे आखिरी नबी, हमारा मदनी मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की शान की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और कृष्णा के नाज़रीन, सवाल ये किया गया था कि बताइए दो रकात नमाज अगर पढ़ी जाए तो तैयाद में कितनी बार बैठेंगे, और दुरुस्त जवाब है एक बार। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको पांचों नमाज़ें बार जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजागे नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए मदनी चैनल, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ मगर मुख्तलिफ प्रोग्राम अभी भी आने बाकी हैं। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल, मदनी चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आखिर में नारे लगाऊंगा किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि या अल्लाह तेरे जिक्र से ही।